नमस्कार, स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। क्लास सिक्स का आज लास्ट लेक्चर है, मतलब लास्ट चैप्टर का, ठीक है। उसका क्या नाम है आपका, यहाँ पे देखिए कि चैप्टर 8 लास्ट है, जो कि भारत जलवायु वनस्पति वन्य प्राणी, ठीक है। इन सभी के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे इस चैप्टर में। इसके पहले जो लोग नहीं देखे हैं देख लीजिए, तो आपका जो प्लेलिस्ट पूरा पड़ी हुई है, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है उस प्लेलिस्ट का, वहां पे वॉच कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए हम लोग इसमें शुरू करते हैं कहां से, कि जलवायु और मौसम से। जलवायु और मौसम में क्या अंतर है, यहां से शुरू करते हैं। इसके पहले जो भी हम लोग देखे हैं, स्थिति देख चुके हैं हम लोग भारत का, और मैप देख चुके हैं, मानचित्र क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं मानचित्र, इन सभी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समाप्त किया गया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कि जो मौसम है, मौसम क्या होता है। मौसम डेली, दैनिक डेली या तो कम समय में जो बदलने वाला जलवायु है, तो उसे ही क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं, ठीक है। तो जो वातावरण तापमान जो बदलता रहता है आपका, जो डेली बेसिस पे या तो कम समय में, उसे मौसम की तरह। गाना सुने होंगे आप लोग कि मौसम की तरह कहीं तुम भी बदल तो न जाओगे, तो मतलब कि मौसम बदलता रहता है बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है, इस चीज को समझिए आप। तो मौसम कम समय में बदल, वही पर अगर जलवायु ले लिया जाए तो कोई विशेष पर्टिकुलर स्थान पर समय में कई वर्षों के एक बदलाव के बाद को ही क्या कहेंगे, जलवायु कहेंगे। कई समय में, ठीक है, बहुत दिनों के बाद जो परिवर्तन होता है वहां का तापमान, वहां का टेम्परेचर में, उसको क्या कहते हैं हम लोग, जलवायु कहते हैं। जलवायु कभी किसी को नहीं सुने होंगे कि जलवायु की तरह कहीं तुम बदल तो नहीं जाओगे, क्योंकि मौसम बहुत जल्दी जल्दी बदलता है और यहाँ पे जलवायु समय लेता है, कोई भी स्थान विशेष पर समय लेता है। एक बेसिक डिफरेंस है यहाँ पे, हमको लगता है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऋतु, मौसम जब बदलते हैं तो ऋतु, मतलब अलग अलग ऋतुएं आती हैं, ठीक है। उसमें आपका जो शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु मुख्य चार हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे हो जाएगा कि अगर हम लोग बात करें शीत ऋतु की, तो इसे ठंडा मौसम या ठंडी कहते हैं, ठीक है, जो कि अभी समाप्त होने की कगार पे है इस समय। यहाँ पे क्या है आप लोगों का, देखिए शीत ऋतु, ठंडा मौसम या सर्दी इसे कहते हैं, ये दिसंबर से फरवरी के बीच में रहता है, ठीक है, दिसंबर से फरवरी के बीच में। इसमें होता क्या है कि मैं आप लोगों को बताया हूं कि जो ये ग्लोब है, इस पर ये विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, तो इस समय जो शीत ऋतु है यहाँ पे नॉर्थन रीजन में, आपके जो सूर्य का किरणें है यहाँ पे, जो रेडिएशन है ये तिरछा पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। जब तिरछा पड़ेगा तो जायज सी बात है कि अब सामने सामने जो इफेक्ट पड़ता है वो तिरछे पड़ने पर तो पड़ेगा नहीं, इसी कारण यहाँ पे जो ठंडी का मौसम आता है, ग्रीष्म ऋतु आता है, सॉरी शीत ऋतु आता है, ठीक है। एक कारण आपका एक कम महीना पूछता है दिसंबर से फरवरी के बीच में। इसके बाद जो जनरली है ग्रीष्म ऋतु है, इतना नहीं तनाव लेना है कि बस इतना ही बताए शीत ऋतु में और तो कुछ बताया नहीं। देखिए जैसे जैसे टॉपिक समाप्त होगा, क्लास सिक्स बेसिस पे बताया जा रहा है केवल, और इतना बेसिस पे केवल इतना ही है, ठीक है। जैसे जैसे आगे आएगा उस हिसाब से आपको और अच्छी अच्छी जानकारियां, अधिक से अधिक जानकारियां मिलेगी, जो चीज पढ़ लिया जा रहा है। ऐसा बात नहीं कि फिर कभी आएगा नहीं आगे। क्लास नाइन्थ में अब जो भी हम लोग स्थिति पढ़े हैं कल, मतलब इसके पिछले वाले वीडियो में, वो स्थिति अभी क्लास नाइन्थ में और अच्छे से विस्तार से दिया जाएगा। सेम चीजें फिर सॉरी आप कहेंगे कि एकदम सेम चीजें हुई हैं बताया जा रहा है। इसका ये मतलब है कि आगे और इसी चीज को विस्तार से पढ़ना है, मतलब अभी जानकारी मिल जा रही है, सब कुछ की जानकारी अभी मिल जा रही है, आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे पूरी तरीके से और अच्छे से पढ़ा जाएगा उसे, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। अब आगे इसके बाद आता है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि जो सूर्य है उत्तरायण होता है, मतलब उत्तरायण मतलब उत्तर की ओर धीरे धीरे जाना प्रवेश करता है। यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे सूर्य है तो ये सूर्य ऊपर धीरे धीरे जाएगा, यहाँ पे अब सीधे पड़ेगा कि नहीं, यहाँ पे किरण है, जब सीधे प्रकाश पड़ता है सूर्य का,
तो यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होता है, ठीक, ग्रीष्म ऋतु। यह मैं उत्तर के उत्तरी गोलार्ध के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ, यह सेम चीजें यहाँ पे भी होंगी। अब जब यहाँ ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे तिरछी किरण पड़ेगी, यहाँ ठंडी होगी, जब यहाँ पे था तो यहाँ पे गर्मी हो रही थी। मैं एक लेकर गोलार्ध ऊपर वाला उसी को बता रहा हूँ, उसी के डिफरेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रीष्म ऋतु है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसीलिए बहुत अधिक जो गर्माहट है, गर्मी है, उसी की वजह से यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये मार्च से मई के समय में इसको देखा जाएगा और महसूस किया जाएगा। यह लू जो एक प्रसिद्ध पवन यहाँ पे चलती है गर्मी के दिनों में उत्तरी भारत में, ठीक, उत्तर भारत में ये मुख्य रूप से यहाँ चलती है। अब देखेंगे, यहां तक हो गया, समझ में आया होगा। वर्षा का मौसम जून से सितंबर के बीच, आप लोगों को ये भारत दिख रहा होगा ना, ये हम कहते हैं कि विषुवत रेखा है, भारत के नीचे ही तो विषुवत रेखा है, थोड़ा सा दूर, क्योंकि यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है मैं बता दिया हूँ, बताइए कितना है, 8°4' है। अरे 8 डिग्री नीचे जाएंगे तो 0° आपका अक्षांश पड़ेगा ना, तो 0° अक्षांश पड़ेगा जब, तो ये वाला है इतना नजदीक है। तो जो पश्चिम से यहाँ ये पवने आती हैं, दक्षिण पश्चिम से जो पवने आती हैं, यहाँ पे जाके ही वर्षा का कारण बनती है। चूंकि यह जो है पश्चिमी घाट बहुत ही एक लगातार श्रेणीबद्ध करीब से यहाँ पे कई पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, इसीलिए यहाँ पे झमाझम बारिश होती है, इस वाले एरिया में खूब बारिश होती है, ठीक है। तो ये वाला जो है यहाँ पे लगभग 1 जून जुलाई के आसपास यहाँ पे जो ये मौसम पहुंच जाता है। तो आगे जैसे जैसे जाएगा यहाँ पे इस पूरे यहाँ पे इस क्षेत्र में वर्षा कराते हुए यहाँ से ऊपर यहाँ फिर टकरा कर जहां जहाँ पर्वत पड़ेगा तहां तहां टकरा कर वहां पे बारिश बहुत से दर्ज कर कराता है। यहाँ पे जब टकराएगा तो उत्तराखंड यहाँ पे बारिश, फिर ऐसे यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, फिर यहाँ से टकरा के कुछ यहाँ की पवने जो है यहाँ से जाके यहाँ चलती है। ये तीन पहाड़ियां यहाँ पाई जाती है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व में, जिसका नाम है गारो खासी जयंतिया। ये ऐसी पहाड़ियां हैं, देखिए अगर हम कभी बात करें तो एक ऐसे ऐसे ऐसे, तो जब जैसे ही ये वाला पवन यहाँ पे ऐसे अंदर घुसेगा तो इसमें टकरा के फिर इसमें 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 ऐसे ही फंस जाते हैं, ठीक है। इसमें जब फंसते हैं पवन तो यहाँ पे वर्ष भर वर्षा होता है, कहाँ पे, गारो खासी जयंतिया मेघालय में, ठीक है, मेघालय में हमेशा मतलब बारहों मास वर्षा होता है यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे ही लौट के आती है पवने, तो यहाँ पे लौट के आने के बाद यहाँ पे देखिए मौसम में यहाँ पे बारिश होता है, तमिलनाडु के तट पर लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से कि लौटते हुए मानसून से या तो ठंडी के दिनों में कहाँ पे बारिश होती है, तमिलनाडु के तट पर, यहां से घूमते जैसे इतना जब कुछ हो रहा होता है तब तक यह वर्षा जो है आपका ग्रीष्म ऋतु वर्षा ऋतु समाप्त होने की कगार पर रहती है। जब वर्षा ऋतु समाप्त होने की कगार पर रहती है तो शरद ऋतु आना शुरू हो जाती है। शरद ऋतु में बहुत ज्यादा आपका थोड़ा थोड़ा वर्षा और थोड़ा थोड़ा ठंड का माहौल आना शुरू हो जाता है धीरे धीरे, ठीक है। तो ये अक्टूबर से नवंबर की बात है। जो तमिलनाडु है यहाँ पे आते हुए लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है कहाँ पे, तमिलनाडु में, इस चीज का ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब शरद ऋतु भी बता दिया कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में आता है। अब भारत की स्थिति जो है, भारत की स्थिति कैसी है, उष्णकटिबंधीय है, भारत की स्थिति कैसी है, उष्णकटिबंधीय है। मैं आप लोगों को बताया था कि अगर गोलार्ध है मतलब आपका ग्लोब है तो इसका जो है विषुवत रेखा है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, यह मकर रेखा या कर्क रेखा, मकर रेखा कर्क रेखा है ना, इन्हीं के बीच वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। तो जो इस रीजन में पड़ेंगे, और भारत इसी रीजन में पड़ता है क्योंकि यह 0° से थोड़ा सा ऊपर 8°4' इसका दक्षिणतम पॉइंट है भारत का, तो यह देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, उष्ण में पड़ता है, तो इसीलिए भारत की यहाँ पे कौन सी स्थिति मिल जाएगी आपको, उष्णकटिबंधीय है। यहाँ की जो जलवायु होती है कैसी है, यहाँ की जलवायु जो है मानसूनी जलवायु है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि भारत की जलवायु कैसी है,
तो भारत की जलवायु जो है मानसूनी जलवायु, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए आप लोग। चलिए देखिए यहाँ पे है कि मानसूनी पवन, यहाँ की जो पवने चलती हैं वो कैसी हैं, यहाँ की मानसूनी पवने चलती हैं, अलग अलग मौसम में पवने हैं उस हिसाब से चलती रहती है, ठीक है। इस चीज को देखिए ध्यान से आप लोग देख लीजिए, दो चीज यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं, जो गर्मी के दिनों में यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में जो डायरेक्ट किरणें पड़ती हैं उसके कारण जो राजस्थान और जैसलमेर का एरिया है बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है वहां पे। वैसे ही अगर ठंडे के दिनों में जैसे तिरछी किरणें पड़ती हैं तो बहुत ठंडा भी होता है। द्रास और कारगिल जो जम्मू कश्मीर का इलाका है वो भी बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, जलवायु को निर्भरता, जलवायु को जो कौन कौन से कारक हैं जो कि इस पर प्रभाव डालते हैं, तो वो कारक हो जाएंगे आपके स्थिति, ऊंचाई कितनी ऊंचाई है और समुद्र से दूरी कितनी है, समुद्री इलाकों में ज्यादा वर्षा होगी और यहाँ पे उच्चावच, इन चार चीजों से इन सभी को आगे बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। तो स्थिति क्या है और भारत की स्थिति देख लीजिए, यहीं पे खूब झमाझम बारिश होगी पश्चिमी घाट पर, लेकिन जो ये वाला इलाका है जो राजस्थान का इलाका जो थार रेगिस्तान का, वहां पे बारिश नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां की स्थिति जो है, अब अरावली मान लेते हैं, यहाँ पे अरावली पर्वत जो उत्तर से दक्षिण फैली हुई है ऐसे, और यह देखिए राजस्थान का जो रेगिस्तान वाला इलाका है, अब अगर ऐसे है तो जो यहाँ पे हवाएं चलेंगी ये किसी से जब टकराएंगी नहीं पर्वतों से तो वर्षा कहाँ से होगी, ठीक है। यही कारण है कि यहाँ पे जो रेगिस्तान का निर्माण हो जाता है और यहाँ पे खूब बारिश होता है, तो हॉटस्पॉट पाया जाता है पश्चिमी घाट पर, ठीक है। तो इतना जानकारी यहाँ से, यहाँ पे हम लोग क्या देख लिए, जलवायु को और मौसम को समझ लिए बहुत अच्छी तरीके से। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब जलवायु के हिसाब से अलग अलग वनस्पतियां क्या क्या है, ठीक है। चलिए कहते हैं कि जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, इसके पहले हम लोग जलवायु देख चुके हैं, वनस्पति अब लोग देखेंगे। वनस्पति प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति अगर जनरल परिभाषा देखेंगे हम लोग तो कह सकते हैं कि जिसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं हो, मतलब मानव का क्रियाकलाप जिसमें नहीं हो, योगदान नहीं हो, वह क्या कहलाएगा, प्राकृतिक वनस्पति कहलाएगा। जैसे देखेंगे कहीं भी घास उग जाता है वो जो प्राकृतिक वनस्पति के एवज में आ जाएंगे आराम से, ठीक है। ये कई प्रकार के होते हैं इसे। अब प्राकृतिक वनस्पति में भी देखिए, अब धीरे धीरे वनस्पतियां तो हो गया प्राकृतिक वनस्पति, अब भारत में जो वृक्ष क्या है, आपका जो झाड़ियां क्या है, ये सभी को देख लेते हैं हम लोग। तो जो झाड़ी है, झाड़ी शुरुआत करते हैं, ठीक है, इसमें कैक्टस फूलों वाले पौधे आ जाते हैं। झाड़ी की ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर तक रहती है मैक्सिमम, ठीक है, झाड़ियों की ऊंचाई कितना, 1.5 मीटर तक, 1.5 मीटर यह रहती है झाड़ियों की ऊंचाई, ठीक है। अच्छा, उससे ऊपर अधिकतम ऊंचाई तो भी वृक्ष होते हैं, वृक्ष में पत्ते होते हैं, शाखाएं भी होती हैं, ठीक है। तो वृक्ष का जनरली अगर हाईएस्ट ऊंचाई देखेंगे तो 60 मीटर तक होते हैं, कितने, 60 मीटर, ठीक है, हाईएस्ट ऊंचाई लगभग, मतलब पूरा मैं हाईएस्ट बता रहा हूं। तरुण अवस्था के वृक्ष की देखा जाएगा तो 15 से 17 जो मीटर है, यहाँ पे यंग वाले जो वृक्ष हैं वहां पे उसकी ऊंचाई मानी जाएगी। ये मैं नहीं बोल रहा, ये एनसीईआरटी बोल रही है क्लास 6, ठीक है, इसमें अपने हिसाब मेरे हिसाब से मत जाइएगा आप लोग। झाड़ी हो गया, कैक्टस हो गया, मतलब इसमें फूलों की एक हो गया, वृक्ष में नीम आम आदि इन सभी का जो एग्जाम्पल है यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है। आगे अब हम लोग देख लेंगे प्राकृतिक वनस्पतियां कितने टाइप होती हैं, मतलब प्राकृतिक वनस्पतियां तो देख लेते हैं, बता दिया प्राकृतिक वनस्पतियां बता दिया, ठीक है, यहाँ पे हो गया। भारत में वनस्पति यह देखेंगे हम लोग, जो कि हम लोगों का टॉपिक भी है, तो यह 5 तरीके के होते हैं, कितने, 5 टाइप की हम लोगों की भारत में पाई जाती है वनस्पति, कौन कौन सी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ठीक है, कंटीली झाड़ियां, पर्वतीय वनस्पतियां और यहां पे मैग्रोव वन, कितने हो गए, 5 तरीके के,
डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। आइए अब देखते हैं हम लोग कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन किसे कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का मतलब ये हो जाएगा कि वहां पे बारिश बहुत ज्यादा होगी, वर्ष भर वर्षा होती है, मतलब वर्ष भर इतना ज्यादा वहां पे है कि वहां के वृक्ष जो थे बहुत घने होते हैं बारिश के कारण। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों का यह क्या है ग्लोब है, यह विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ठीक। अच्छा तो यह वाला जो एरिया है, यह वाला एरिया, यहाँ पे इतना ज्यादा बारिश होता है यहाँ पे क्योंकि हमेशा वर्ष भर यहाँ पे बारिश होता है, तो यह वाला जो है उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र में आ जाता है इस, ठीक है ना, उष्णकटिबंधीय। अब इतना ज्यादा वर्षा होता है कि उसी में पत्तियां, कुछ पेड़ जो होते हैं पत्तियां गिरा देते हैं, कुछ पेड़ हमेशा उसमें हरे, इतना ज्यादा वो रहता है कि वो वाला क्षेत्र जो है बारिश की वजह से इतना ज्यादा हरा भरा रहता है कि उसे सदाबहार वन कहते हैं। इसमें रहेगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसको सदाबहार वन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा बारिश होता है, बारिश की वजह से हमेशा यह साल भर यहाँ के वृक्ष जो होते हैं हरे भरे रहते हैं। क्यों हरे भरे रहते हैं? क्योंकि यह एक वृक्ष मान लीजिए अगर पत्तियां गिरा भी देता है तो दूसरा वृक्ष हरा भरा रहता है, और इतना ज्यादा है कि घना होते हैं लोग कि सूर्य का जो प्रकाश है नीचे मतलब जाता ही नहीं इनके जमीन पे, खतरनाक खतरनाक वहां में ये ना को मतलब वो पाए जाएंगे, सब पाए जाएंगे, बिच्छू पाए जाएंगे, जहरीले जहरीले, ठीक है, तो ये सभी पाए जाते हैं यहाँ पे। अब इन लोगों का क्षेत्र देखा जाए कि क्षेत्र कौन सा है, तो क्षेत्र में आ जाएगा यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एंड निकोबार समूह, और यहाँ पे भी पश्चिमी घाट, ये सभी क्षेत्र पश्चिमी घाट का भी पीछे बताया था मैं, जो वर्षा होती है खूब बारिश होती है क्योंकि वहां की जो पर्वतें हैं वो वहां पे उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजी हुई हैं और इतने ज्यादा वहां पे क्रम है क्योंकि वहां पे जाके टकराते हैं, खूब बारिश होती है वहां पे, ठीक है। तो यहाँ का जो क्षेत्र है अंडमान निकोबार एंड पश्चिमी घाट है, यहाँ के जो वृक्ष है लगभग क्या पाए जाएंगे, महोगनी हो गया, एबोनी हो गया, रोजवुड हो गया, महोगनी, एबोनी और रोजवुड। इसका जो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा उपयोग नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश के कारण बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए ना दरवाजा वरवाजा खिड़की उड़की में यहाँ पे नहीं लगाए जा सकते हैं इन सबके वृक्ष जो है मतलब लकड़ी, ठीक है। आगे देखिए, हाँ लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ कि हमें वनों की आवश्यकता क्यों है, हमें वनों की आवश्यकता क्यों है, अभी मैं बताऊंगा इस पर चर्चा करूंगा। तो अब आगे देखेंगे उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, इसमें है कि मानसूनी वन जिसे कहते हैं, यह एक वर्ष के एक पर्टिकुलर मौसम में अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं, गिरा देते हैं पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि हमेशा इनको वर्षा मिलती नहीं है, अपने जल को संरक्षित करने के लिए ये पत्तियां जो है अपनी गिरा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो इनके पाए जाते हैं वृक्षों के जो है साल, सागौन, पीपल, ये सभी वृक्ष पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। और इस क्षेत्र इलाका क्या है इन लोगों का, एमपी, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, नीम भी आता है, शीशम भी आता है, यह हमारे आर्थिक उससे बड़े मजबूत होते हैं। आज भी अगर शीशम का दरवाजा और शीशम की चौकी मिल जाए तो क्या बात है, वो उतना मजबूत होती है कि इसकी मजबूती को लोग ताक देते हैं। चलिए यह देखिए यहाँ पे इन सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आगे देख लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे जाएगा कटीली झाड़ियां। मैं फिर एक बार बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जो ओवरव्यू दे रहा हूँ एक क्लास सिक्स के हिसाब से ही पूरा है, ठीक है, आगे फिर आएंगे ये सब जब भी तो पूरी तरीके से आपको फिर से बताया जाएगा, वहां पे और विस्तार से बताई जाएगी चीजें, ठीक है। तो इतनी ध्यान रखिए, और जो लोग अगर नहीं देखे पीछे का ना वीडियो देख लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ इतना जबरदस्त तरीके से आप लोगों का तैयार हो जाएगा ज्योग्राफी ना, कि चाहे जिस एग्जाम में पूछे आपको जो समझदारी और यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से लेवल आपका बढ़ जाएगा ज्योग्राफी के रिलेटेड में, ठीक है। डेली हमको लगता है कि 10-15-20 मिनट का जैसा जैसा चैप्टर जो है उतना ही वीडियो रहता है, देख लीजिए एकदम आपका नैया पार होने वाला है, ठीक है। चलिए ये सभी सब्जेक्ट का होगा, अभी तो ज्योग्राफी शुरुआत है, क्लास सिक्स आज समाप्त हो गया, क्लास सिक्स आज समाप्त हो जाएगा, कल से 7th चलेंगे,
फिर देखिए अलग अलग जो लेवल बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ कटीली झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ में या शुष्क भागों में ज्यादा देखने को मिलता है, शुष्क भागों में ज्यादा। और यहाँ पे जो कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर, यह सभी जो वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पे। क्यों कटीली झाड़ियाँ, यहाँ पे वर्षा कितनी ज्यादा कमी होती है कि जो यहाँ के वृक्ष हैं अपने पत्तियों को इस कदर बना लेते हैं कि कांटा बना लेते हैं, कांटा, और उसी में अपना बसर गुजारा करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप परेशानी में हो तो अपने आप को इतना कठोर बना लीजिए कि परेशानी भी आपकी कुछ नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरीके से रहना, हार नहीं मानना है। वहां पे ये लोग चाहेंगे तो बेकार जाएंगे, मर जाएंगे, कटीली झाड़ियां बेकार जाएंगे, उन लोगों का प्रजाति समाप्त हो जाएगी। लेकिन अपने आप को इस कदर ढाल रहे हैं कि मौसम शुष्क है, पानी नहीं मिल रहा है, कुछ मिलेगा, कम मिलेगा पानी, लेकिन उसी में रहना है जिंदा। जैसे कैक्टस, नागफनी, खैर, बबूल, कीकर, इन सभी है गुजारा करते हैं, ठीक है। तो याद रखिए कटीली झाड़ियां हो गया। यहाँ पे ये कहाँ पाए जाएंगे, राजस्थान वाले एरिया में, पंजाब वाले कुछ एरिया में, हरियाणा वाले भी एरिया में पाए जाते हैं। यहाँ पे पश्चिम घाट के पूर्वी ढाल पर, पूर्वी ढाल पर क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए अगर हम लोग देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे यहाँ पे जो है पश्चिमी घाट है वाला, पश्चिमी घाट है तो यहाँ पे जैसे ही बारिश होती है ये वाला जो है वृष्टि छाया प्रदेश पड़ जाता है। वृष्टि छाया वह प्रदेश कहलाता है जो कि बारिश की वजह से वहां पे कोई टकरा के एक तरफ बारिश हो और दूसरी तरफ बारिश न हो, उसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। जैसे यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, ये कहाँ पे, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर और गुजरात में ये पाए जाते हैं। कौन, कटीली झाड़ियां, ये शुष्क भागों में पाया जाता है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, लास्ट है आप लोगों का, सॉरी सेकंड लास्ट, पर्वतीय वनस्पतियां क्या होती है। पर्वतीय वनस्पतियां समुद्र तल से 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। कौन, आपके जो पर्वतीय वनस्पतियां होती है, ऊंचाई पाई जाती है। और यह शंकुआकार वृक्ष होती है जिसे चीड़, पाइन, देवदार, ये सभी पाए जाते हैं कि इसमें पर्वतीय वनस्पतियां के रूप में, ठीक है। चलिए मैग्रोवन, मोस्ट इंपोर्टेंट है मैग्रोवन, जहां पे भी पाया जाएगा वह केवल और केवल खारे स्थान पाया जाएगा, खारे पानी में। मैग्रो जो है कि सुंदरवन डेल्टा, अभी इसके पहले वाले वीडियो में बताया था जब सुंदरवन पढ़ा रहा था डेल्टा, कि सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, कई झाड़ियां मतलब पाई जाती है वहां पे, ठीक है। जो सुंदरवन, उसी वृक्षों के नाम पर वहां का जो स्थान है सुंदरवन का नाम पड़ गया, सुंदरवन, ठीक है। और सुंदरवन का डेल्टा जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियां बनाती हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है सब, क्या सुंदरवन का डेल्टा। तो यह है आपका, खारे पानी मिलती है सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, सुंदरी नामक वृक्ष से वो मतलब बनता है मैग्रोवन। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाया जाता है, मिलता है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का देख लीजिए यहाँ पे, कि हमें वनों की आवश्यकता क्यों है, हमें वनों की आवश्यकता क्यों है। तो वन हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, देखिए सुनिए, वन से हम लोग क्या क्या करते हैं, ऑक्सीजन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन के लिए कोई, ऑक्सीजन के बिना कोई नहीं जिंदा रह सकता है, ऑक्सीजन मिलता है। और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जो छोड़ रहे हैं, हम लोग सांस के द्वारा जो छोड़ रहे हैं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ये लोग जो वृक्ष होते हैं यहाँ से तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, ये अपना यूज करते हैं, और यहाँ से देते हैं जो ऑक्सीजन देते हैं हम लोगों को, O2 देते हैं, O2 यह देते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से जो मिलता है O2 मिलता है, ठीक है, O2 यहाँ से मिलता है। यहाँ पे तो जीवन ही इतना है यही से, बाकी अलग अलग भी इसका है, क्या क्या, लकड़ी मिलती है, ईंधन, ईंधन के रूप में भी यूज हो सकता है। और यहाँ पे शहद, लाख, और जो वनस्पति से ही जानते हैं कि जड़ी बूटियां बहुत ज्यादा बनती है, तो वहाँ जड़ी बूटी भी काम आ सकता है। वहाँ पे जो दरवाजा, फर्नीचर्स, इतने इंपॉर्टेंट है ये भी। और जो वनस्पतियों में ही हम लोग, वनों में ही जो प्राकृतिक आवास है, शेर, चीता, भालू, जो जंगली, ये सभी हैं वहीं पे रहते हैं, उन लोगों का प्राकृतिक आवास है, वह नहीं रहेगा तो यहाँ पे लोग आएंगे, यहाँ पे लोग हंगामा होगा, मतलब इसे कि जिनका प्राकृतिक आवास छिनेगा वो कितना दुख होगा वहाँ पे, वहाँ का जो एक सिस्टम है पूरा तरीके से वो बिगड़ जाएगा पूरा, ठीक है। तो वहाँ के लोग यहाँ आना शुरू हो जाएंगे तो यहाँ फिर अलग अलग सिस्टम बन जाएगा। तो इसीलिए वन इतने इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों को मैं कई तरीका बता दिया,
मतलब कई एक विशेषता बताया है यूं क्यों आ सकता है। ठीक है, समझ में आया होगा। अब हम लोग वन्य प्राणी देख लेते हैं। ठीक है, वन्य प्राणी क्लास मतलब सिक्स का चैप्टर नंबर एट का आखिरी टॉपिक वन्य प्राणी लेते हैं अब हम लोग। ठीक है, वन्य प्राणी जलवायु हो गया, वनस्पति हो गया, वन्य प्राणी देख लेते हैं हम लोग। वन्य प्राणी में हम लोग आ जाते हैं कि जो भी जंगल वन थे में कई हजार स्पेसीज प्रजाति निवास करते हैं। ठीक है, जो कि जंगल इतने ज्यादा स्तर पे कट रहे हैं और संकट ग्रस्त होते जा रहे हैं, शिकार हो रहा है यहाँ पे बहुत तेजी से। ठीक है, तो उसमें हम लोगों का देखिए आ जाता है आपका राष्ट्रीय पशु, शुरुआत करते हैं बाघ। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। अलग अलग स्पेसीज जो होते हैं अलग अलग जगह में, भारत के अलग अलग जगहों में पाए जाते हैं, जंगलों में पाए जाते हैं, वनों में पाए जाते हैं, अलग अलग जो स्थान है। हम लोग बात करेंगे गिर का। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है, गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है आपका गुजरात में। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान या तो गिर वन कहाँ पे है? गुजरात में। और ये यहाँ पे पाया जाता है एशियाई शेर। सॉरी, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है यहां से कि जो गिर वन है ये कहां पाया जाता है? यह पाया जाता है आपका एशियाई शेर, यह गुजरात में है। और यहां पे ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि एशियाई शेर कहां पाया जाएगा, तो गिर वन में, गिर राष्ट्रीय उद्यान में। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? तो गुजरात में है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछा था अभी हाल ही में, UPTET टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TET में पूछा था कि जंगली गधा कहाँ पाया जाएगा, मतलब कहाँ पाया जाता है भारत में। तो यह आपका हो जाएगा आंसर कच्छ के रण में, जो कि NCERT में दिया है। NCERT में दिया है, सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है कि जो क्लास सिक्स के NCERT से चार क्वेश्चन आपको UPTET में मिला था। ठीक है, क्लास सिक्स का सब पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। यहाँ शुरू करते हैं वन की गिरा में, आपका एशियाई शेर हो गया, काजीरंगा एक सींग वाला गेंडा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे टोटल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या हो गया 7। ठीक है, ठीक है, नेशनल पार्क टोटल कितने हैं यहाँ पे? 7 नेशनल पार्क हैं। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यहाँ पे एक सींग वाला गेंडा पाया था, काजीरंगा कहाँ पे है? काजीरंगा असम में है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। भारत के रेगिस्तान में ऊंट पाए जाते हैं, कच्छ के रण में ही बताया मैं आप लोगों को जंगली गधा, हिमालय के क्षेत्रों में क्या पाया जाता है? जंगली बकरी, हिम तेंदुआ और भालू जैसे यह पशु वहां पाए जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखिए। ये सिक्स में इतना था आप लोगों का। ठीक है, NCERT बेस पर चला जा रहा है, इसीलिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं लिखवा रहा हूं, नहीं तो फैक्ट बहुत ज्यादा है लिखवाने को। ठीक है, आराम से चलेंगे पढ़ते हुए, एकदम समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आएगा अच्छे तरीके से। राष्ट्रीय पक्षी में क्या है? मोर। ऐसे ही पक्षियों के बारे में भी जान लेते हैं, जैसे पशु के बारे में जाने हम लोग। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारतीय पक्षी में तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बतख। तोता, मैना, कबूतर, जा 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 कबूतर भी आ जाता है इसमें, बुलबुल बोली सुन बुलबुल, यहाँ पे हो जाएगा बतख। ये सभी जो है भारतीय पक्षी हैं, इसमें बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, समझ जाइए बस ऐसे ही नेम है, देख लीजिए। सांप की प्रजाति भी भारत में पाई जाती है, क्या क्या? कोबरा खतरनाक जो प्रमुख है इसमें से, आपका करैत दुर्फ है प्रमुख है, बाकी तो और भी सांप बहुत ज्यादा है, गेवनडुल्हा तो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोबरा और करैत सांप प्रजाति। नेशनल पार्क अभयारण्य और जीव आरक्षित क्षेत्र, ये देखिए जितने भी प्रजाति पाए जा रहे हैं ये इतनी ज्यादा अभी मतलब इन सब पे खतरा मंड रहा है कि जनरली लोग शिकार कर रहे हैं उनके हड्डियों के लिए, और वहाँ पे जो सींग हो गया उनके, उन सब के लिए बहुत ज्यादा मतलब कत्ल वहाँ पे हो आ जा रहा है। ठीक है, तो ये लोग डेंजर्ड में आ रहे हैं, तो इनके संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए नेशनल पार्क बनाए जा रहे हैं, अभयारण्य बनाए जाते हैं और जीव आरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं।
बायोस्फीयर रिजर्व जिसे कहते हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं। नेशनल पार्क है, अभयारण्य है, जीव आरक्षित क्षेत्र है, इन सभी जो सुरक्षित करने के लिए। वन्य जीव संरक्षण में आप भी हाथ बटा सकते हैं, कैसे? जब जाइए तो ये शौक न रखिए कि किसी को मार कर उसका हड्डी रखने का। ठीक है, हड्डी और जो सींग हो गया इन सब का शौक नहीं रखना चाहिए, और इन सब कुछ चीज खरीदने से बचना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप खरीदेंगे ही नहीं तो ये लोग जो बेचते हैं ये लोग क्यों वहां पे मारेंगे? ठीक है, तो ये सब चीज में आप हाथ बटा सकते हैं, और यहाँ पे ऐसे हाथ अपना बटा सकते, मतलब कि एक अपना योगदान दे सकते हैं इनके संरक्षण में। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? अक्टूबर का पहला सप्ताह जो होता है उसे वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। अब एक और लास्ट बचे आप लोगों का प्रवासी पक्षी। क्या होता है प्रवासी पक्षी? जो है दूसरे देशों से यहाँ पे आते हैं, किस कारण से? मौसम परिवर्तन के कारण से आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पूछ लेता है। तो क्यों? क्योंकि मौसम परिवर्तन के कारण, मौसम परिवर्तन का। तो एक कब आते हैं? ठंडियों के दिन में आते हैं, दिसंबर से और मार्च तक रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो प्रवासी पक्षी हैं उसमें कुछ प्रमुख हैं: साइबेरियन क्रेन, स्टॉर्क, फ्लेमिंगो, कर्लियो और बतख और पिनटेल, जो ये सभी हैं ये जो है प्रवासी पक्षी होते हैं। ठीक है, प्रवासी पक्षी हैं। यहाँ आते हैं दिसंबर के मंथ में, जो कि परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन के कारण, और रहते हैं कब तक? मार्च तक। यह पूछ लेता है यह किस वाले क्षेत्र में आते हैं, तो जनरली राजस्थान वाले उस इलाकों में आते हैं। ठीक है, प्रवासी पक्षी। यह रहा आप लोगों का क्लास सिक्स का आठवां चैप्टर। अब पूरा समाप्त हो गया, क्लास सिक्स समाप्त। ठीक है, अच्छे समाप्त हो गया, हम अपने हिसाब कर दिए। देखिए जो माइक की व्यवस्था कर रहे हैं, जो आवाज थोड़ा सा फट रही होगी, यह माइक बिना माइक के कर रहे हैं जो